Arjun is in a miserable position. That is not the position of Arjun, the person. That is the situation of entire mankind. That is the conflict that we all face daily, every day. So first of all, it is not about Arjun and Krishna. It is not about two persons. Arjun and Krishna are both within us. Krishna is not standing in front of Arjun. Krishna is the heart of Arjun. Okay, answer a few questions. What does a soldier want to achieve? Success. What is the name of this success? Victory. Victory in war. So what does a soldier want to achieve? Success in war. ठीक है? ठीक. ठीक कुछ तो कुछ बोलना वो भी बोल सकते हैं पर ये बोल देते हैं एक ही बार. What does a sportsman want to achieve? Success. In war. What is the name of that success? So soldier को चाहिए success in war. Sportsman को चाहिए success on the ground. Scientist को क्या चाहिए? Achievement. What is the name of that? Success, let's say success in the laboratory. Am I right? What does a writer want to achieve? Recognition or say publishing. यही उसकी success है. Correct? Can you see what is happening? Can you see what is happening? You said success, but we took four cases और इसमें चार अलग अलग चीजें निकल के आई. स्पोर्ट्समैन को चाहिए कि मैं मैदान पे जाके गोल कितने कर लूं या रन कितने बना लूं. सोल्जर कह रहा है मेरी सक्सेस इसमें है कि कितने सामने वाले लोगों को मार दूं और एनिमी से कितनी टेरिटरी छीन लूं. क्या ये दोनों एक ही चीज है? कितने कितने छक्के मारे और किसने कितनी टेरिटरी जीती? दे आर एज डिफरेंट एज से चॉक एंड चीज. करेक्ट. साइंटिस्ट को ये चाहिए कि मैं लेबोरेटरी में क्या कर रहा हूं और कोई माउंटेनियर है तो उसको ये चाहिए कि मैं कितना ऊंचा चढ़ गया. आर दीज द सेम थिंग? एब्सोल्युटली डिफरेंट. व्हाट आर यू सीइंग इन दिस? व्हाट कैन यू ऑब्जर्व? रिलेटेड टू व्हाट? राइट. कैन यू जनरलाइज इट वेरी वेरी क्लियरली? True, but then I'm trying to look at something else. Yes, can you generalize it? Like I said, success is relative. So not like for me, success would be 70%, but for my sport, it must be 90%. ठीक, better. वो बैग अलग ही रख दो ना, बार बार उठते हो बार बार. An IITian is not achiever, but a DITian after 5 years. Suppose he is a businessman of 15 years maximum, then that's the achiever. So success means different. Success is different for different people. ये यहाँ तक तो तुम सब पहुँच रहे हो. Can you take the next step now? You are right. Success is different for different people. But can you see something just beyond that? The next step. Sir, it is something personal to some. हाँ ठीक है. Personal क्या है? Satisfaction. It is a bond. ठीक है, clear है. There is a very simple truth in it. So simple that you are not looking at it. Satisfaction. तुम जो होते हो, तुम्हें वही चाहिए. तुम अगर soldier हो, तो तुमको war ही चाहिए. और तो सक्सेस, उसको तुम सक्सेस बोलोगे. तुम अगर साइंटिस्ट हो तो तुमको इन्वेंशन चाहिए. योर सक्सेस इज नथिंग न्यू. रिमेंबर योर सक्सेस, व्हाट यू कॉल एज सक्सेस इज नथिंग न्यू और नथिंग सेपरेट फ्रॉम यू. तुमको लगता है कि मुझे सक्सेस पानी है, पर क्या वाकई वो कहीं दूर है? क्या वो वाकई कोई नई चीज है जो तुम पाना चाहते हो? तुमने अपनी सक्सेस डिफाइन ही वही करी है जो तुम हो. एक सोल्जर ने अपनी सक्सेस क्या डिफाइन करी है? मैं 5 लोगों को गोली मार दूं और जीत जाऊं, यही मेरी सक्सेस है, राइट?
उसने सोल्जर अपनी सक्सेस वैसे ही तो डिफाइन करेगा ना जैसा सोल्जर है. कैन अ सोल्जर डिफाइन हिज सक्सेस एज मैं 3 नई डिस्कवरीज करूंगा तो वो मेरी सक्सेस है? ये सोल्जर की सक्सेस हो सकती है? अब सोल्जर इसको सक्सेस बोले या ना बोले सक्सेस में रखा गया है. जिस दिन वो सोल्जर बना उसी दिन उसके भाग्य का निर्धारण हो गया था कि बेटा तू लोगों को मार, तू लड़ाई कर, और इसी को तू अपनी जिंदगी पर सक्सेस बोलता रहे. द मोमेंट ही बिकम्स अ सोल्जर इट इज प्री डिसाइडेड, बी अटेंटिव टू दिस. उसके पास अब पाने को बचा क्या है? द वेरी फैक्ट दैट ही इज अ सोल्जर मींस दैट ही कैन ओनली फाइट. The very fact that you are a sportsman means that only you can only score goals or score runs or do something else, whatever sport you are playing. अब इसमें नया क्या है? तुम जिस भी चीज को अपनी सक्सेस बोलोगे, come back to yourself now. तुम जिस भी चीज को अपनी सक्सेस बोल रहे हो, तुम जैसे हो उसी को तो अपनी सक्सेस बोल देते हो. तुम भूखे हो तो तुम कहते हो रोटी मिल जाएगा, यही सक्सेस है. जो तुम हो उसी को तुम अपनी सक्सेस का नाम दे देते हो. इज इट नॉट व्हाट इज हैपनिंग? एक ग्रीडी आदमी की सक्सेस क्या है? ग्रीड पूरी हो जाए, यही सक्सेस है उसकी. एक कोई बहुत त्यागी बन के घूम रहा हो, रिनाउंसर, उसकी सक्सेस क्या है? सब रिनाउंस कर दो. तुम जो हो वही तुम जब करने लग जाते हो उसको तुम अपनी सक्सेस बोल देते हो. नाउ लुक एट दिस. क्या वो जो इंसान जो सोल्जर का रोल प्ले कर रहा है, क्या वो एक सोल्जर ही है? क्या वो एक सोल्जर ही है? और इज द सोल्जर अ पर्सनैलिटी, अ मास्क? नाउ डू यू सी व्हाट इट इज कमिंग टू? उसने अपने मास्क के अनुरूप काम करने को अपनी सक्सेस समझ लिया. तुम अभी एक स्टूडेंट हो, तुमने अपनी सक्सेस समझ ली. मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, फोर्थ ईयर में जॉब लग जाएगी, मेरी सक्सेस है. नाउ आर यू अ स्टूडेंट और इज स्टूडेंट जस्ट वन ऑफ द रोल्स दैट यू आर प्लेइंग? सो हाउ कैन योर सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब और गुड मार्क्स? तुमने अपनी सक्सेस खुद कभी देखी नहीं है. सक्सेस अचीवमेंट बोल रहे हो पर वो तुम्हारी है ही नहीं, वो तुम्हारे रोल्स की हैं. और रोल की सक्सेस या फेलियर होती रहेगी. वुड दैट एवर एवर सेटिस्फाई यू? यू सपोज वन ऑफ यू कम्स ओवर हियर एंड स्टार्ट्स प्लेइंग द रोल ऑफ अ मैन हु हैज वन अ लॉटरी. इट्स अ रोल. And the man who has won a lottery becomes very satisfied. But would that satisfy the person who is playing the role? Are you getting what I'm saying? You come over here and you play the role of a man who has won a lottery. Now that lottery is supposed to satisfy the man whose role is being played. Correct? आप यहाँ पे role play करके दिखाओगे, वाह, आज मेरी lottery मिल गई, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना satisfied हो गया. पर जो आप हो, जो ये रोल प्ले कर रहा है, जो आप हो, क्या वो भी सेटिस्फाई होगा? तो क्या है सक्सेस? वो पर्सन को जानते भी हो जिसके सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हो, वो तो सब तुम्हारे रोल्स हैं जो तुम प्ले करते जा रहे हो जिंदगी में. डू यू नो द पर्सन हु रियली इज? याद रखो, आपके रोल्स जो भी आप प्ले करते हो उसकी स्क्रिप्ट हमेशा कहीं बाहर से आती है, राइट? द स्क्रिप्ट ऑलवेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड. यू आर नॉट द रोल दैट यू आर प्लेइंग. हाउ कैन इट एवर सेटिस्फाई यू? और वही आपकी सक्सेसेस हैं, वही आपके सपने हैं. दैट इज वेयर ऑल योर होप्स एंड एस्पिरेशंस and ambitions lie. And think of all your hopes जिनके पूरे होने को आप अपनी सक्सेस का नाम दोगे कि मेरी ये उम्मीद पूरी हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो गया. Is any of those hopes really yours?
really yours? Or have they all been taught to you? कि इस चीज की तो उम्मीद जिंदगी में करनी चाहिए. दिस इज वॉट इज वर्थ अचीविंग. Somebody comes and teaches you that this is worth achieving and you start following that. और जब वो मिल जाता है तो आप कहते हो मैं सक्सेसफुल हो गया. न तुम हो, न तुम्हारा गोल है, न तुम्हारी सक्सेस है, तो तुम सेटिस्फाई कैसे हो जाओगे?